पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रतिभा चौहान, आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रतिभा चौहान व्लॉग्स पर। उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपने परिवार वालों के साथ व्यस्त होगे। तो मैं भी एकदम से मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और अपने परिवार वालों के साथ व्यस्त हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है जी मेरे 2 बजे से। तो इधर मिले जी दादा से और इधर है जी मम्मी। तो मम्मी भी पहुंच चुके हैं, मम्मी पहुंच रहे हैं जी अभी थोड़ी देर पहले। तो जैसे ही मम्मी पहुंचे और उसी तरह से मम्मी ने अपना काम छेड़ दिया है। तो मम्मी लगे हुए हैं, मम्मी और दादा बैठे हुए हैं जी, आज लगे हुए हैं आलू से जरिया निकालने। तो दिखाओ तो, एक मैं भी करती हूँ थोड़ा। तो देखे दोस्तों, कुछ इस तरह की होती है जरी जी। ये रखा हुआ था हमने बीज, ये हमने पिछले साल का बीज रखा हुआ था। तो इसमें कुछ इस तरह के लग जाते हैं क्योंकि इसका लगाने का टाइम आ चुका है। तो इसे लग जाते हैं जी ये जरी, इसको जरी बोला जाता है। तो देखे जी कितनी लग रही है, एकदम से ऊपर लग जाएगा ये, है ना। तो देखे जी इधर दादा और मम्मी बैठे हुए है। तो ये हमने रखा हुआ था पिछले साल का बीज। तो यह बीज भी हमारे अपना ही होता है, जैसे एक साल तक हम मम्मी कितने साल तक लगते हैं हमारे आलू कितने टाइम तक चलते चलते? तो ऐसे तो खाने के लिए 6 महीने तक ही होते हैं। 6 महीने तक होते हैं ना, उसके बाद तो थोड़े ऐसी खराब से होने लग जाते हैं इसमें बीज ऊपर लगने। तो देखिए जी अब तो रहा हुआ है वैसे थोड़ा सा ही निकाल के, यहाँ पे 2 टोकर में रखे हुए है, एक में बहुत ज्यादा है, एक में थोड़े कम है। तो दोस्तों जब तक मम्मी और दादा जरी निकाल के खत्म होते हैं, तब तक मैं भी गरम गरम चाय बना देती हूँ सभी के लिए। तो चलो जी इधर चाय बनकर भी तैयार हो चुकी है। तो मैंने अभी अपने को और दादा दादी के लिए चाय बना दी है। तो देखिए जी अभी हम धूप में बैठ के चाय पी रहे हैं, धूप कम और यहाँ पर हवा ज्यादा चली हुई है। क्या बोल रहे आप, कैसे पहले नहीं पीते थे हम चाय? तो दादी ऐसे बोल रहे कि पहले तो चाय नहीं पीती थी, अब तो पीती हूँ। पर ऐसे तो नहीं है कि बहुत ज्यादा, सिर्फ दिन की एक चाय सिर्फ। तो मम्मी तो मेरे से भी पहले आ चुके हैं जी खेत। तो मम्मी ने अपना काम शुरू कर दिया है, मम्मी लग चुके हैं जी इधर क्यारियां बनाने। तो देखिए जी ये वही खेत है जो हमने कुछ दिन पहले खोदा था। तो अब इसमें आलू लगाने के लिए हो चुका है, तो अब हम इसमें लगाते हैं जी आलू। मैं लेके आ चुकी हूँ जी अपने साथ कष्टू, साथ साथ है जी ये है जी बलड़ी का बीज और साथ है जी मैं पानी लेके आई हूँ। तो अभी इतने सी तो हमने कर दी है, तो अब हम इतने सी गैप में दोबारा से यहाँ पे क्यारियां करेंगे। तो मम्मी देके दे रहे है जी यहाँ पर लाइन। जब तक जहाँ तक बीज होगा वहां तक लगाने, जहाँ तक नहीं होता मन देंगे फिर रहने देंगे, छोड़ देंगे कुछ और बीज ही मक्की मुक्की बाद में। तो देखे जी इधर मौसम की बात की जाए तो पार दूर दूर पहाड़ों के साथ साथ ऊपर को बादल दिखाई दे रहे हैं। तो देखे जी उधर को बादल है, हमारी ओर को इधर को साफ मौसम है। और देखो जी धूप भी बहुत अच्छी खिली हुई है और धूप के साथ साथ इधर चली हुई है जी हवा। तो आपको सामने ये वाले पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, तो ये ऊपर ऊपर हवा चली हुई है। तो यहाँ पे इसलिए हवा नहीं है नीचे, क्योंकि ये थोड़ा नीचे से आता है डाउन, तो ऊपर ऊपर तो हवा चली हुई है, नीचे के लिए वैसे नहीं है। तो देखे जी ऊपर को भी बादल आ चुके हैं, यहाँ पर बहुत चली हुई है और यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो जैसे हवा चली हुई है तो इससे हमारे को गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमारे को काम करने में भी मजा आ रहा है। अभी तो खेत ही पहुँच रही हूँ, काम करने का मजा मेरे को शायद पहले ही आ गया है मेरे को मतलब कि इसे गर्मी नहीं लग रही है, तो ऐसे में तो ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है, तो इसलिए गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। तो ऐसे मौसम में काम करने का अपना ही मजा होता है। मम्मी तो इधर से क्यारी करके खत्म भी हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मुझे कसी उठानी पड़ेगी। दो इधर दो, आप लगाओ पीछे से आलू। तो हम बारी बारी से करेंगे, थोड़ी देर मैं खोदूंगी क्योंकि इसमें थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो कुछ क्यारी मैं करूंगी, उसके बाद मैं बीज लगाऊंगी, फिर मम्मी करेगी, हम बारी बारी से करेंगे एक दूसरे की है। पानी पीऊँ पहले?
नीचे से कर ऊपर को एक जगह से कर और क्या इसके लिए थोड़ी दूर दूर जैसी क्यारी बनाना है एक एक साइड ये बनाना टाइट टाइट नहीं करना थोड़ी खुली खुली ये लहसुन के लिए नहीं भी लग गया यहाँ देखो ये निकालना है रहने देना ये लहसुन की क्यारी नहीं बन रही आलू के लिए बन रही है थोड़ी चौड़ी 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 थोड़ी चौड़ी चौड़ी थोड़ी हाँ क्योंकि बहुत घने लग जाएंगे फिर आलू क्या फायदा फिर अगर उखाड़नी पड़े फिर मैं देख लेती हूँ जरा पहले नहीं ठीक है क्या है विश्वास नहीं है मेरे ऊपर थोड़ा भी विश्वास नहीं है नहीं यार विश्वास क्यों नहीं है तू ही तू आती है मेरे साथ डेली आलू लगाने पिछले साल भी मैं ही थी ना और क्या तो अब मम्मी कर रहे हैं जी शुरू आलू को बीजना तो मैं आपको दिखाती हूँ इधर हमारे किस तरह से आलू बीजे जाते हैं आगे आलू को फेंका जा रहा है और पीछे से उसके ऊपर पैर लगाया जा रहा है ताकि अच्छे से मिट्टी में मिल जाए हमारी मेहनत रंग लेके आ जाए जय हो पानी की बोतल पे मैंने पैर रख लिया जा रही है जी बालड़ी इसमें तो कम कम बीजेगा क्योंकि आलू के बीच ये बालड़ी भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि हम हर साल बीजते हैं तो मैं तो इतना ज्यादा बीज लेके आई हूँ डाल तो कम कम रहे हैं तो इसमें आलू लगने की बालड़ी लगनी ये भी सही सी बात है मैंने तो दूसरी बालड़ी है वो बहुत लंबी लंबी जाती है तो देखिये जी यहाँ पे आ चुका है जी कुत्ता तो मुझे लग रहा है ये खेत हमने इसी के लिए खोदा हुआ है इधर आ ओहो भाग गया तो गाइस अब लग चुके हैं जी हम क्यारियों को दबाने तो इसमें अब हम हल्के हल्के ऊपर से मिट्टी डालेंगे जो हमने क्यारी की उनको अब बंद करेंगे तो और इसमें लगा हुआ है जी हल्का हल्का घास भी शुरू हो चुका है लगना है तो इसको भी हम परे निकालेंगे तो देखें इसको हम रखेंगे जी आगे के लिए तो इसमें मक्की बीजी हुई थी पिछले साल तो उसके ये है जी छलांगड़े लगा दिया है जी आलू तो अब इतने से ही आलू रह गए हैं लगाने के लिए तो अभी इधर को भी तो हमने क्यारी कर दिया और इसमें आलू भी हमने लगा दिया है तो अब इतने से आलू के लिए हम और खोदेंगे इधर को क्यारियाँ तो मम्मी लग चुके हैं जी क्यारियाँ खोदने तो मैं करती हूँ जी अब इन क्यारियों को बंद भी हो चुके हैं जी इस वाले खेत से आलू लगा के ख़त्म तो पीछे पीछे को रहा हुआ था तो इसमें आलू हमारे ख़त्म हो चुके हैं तो हमने इतने में ही आलू लगाए हैं और देखे जी धूप भी कहाँ जा चुकी है आधे खेत में धूप है और आधे खेत में छाया हो चुकी है और थोड़ा हम हरा घास भी लेके जाते हैं जी बोरानी के लिए तो देखे जी इधर हमने निकाल दिया है जी एक किल्टा घास का भी हमने निकाल दिया है तो अब लेके चलते हैं जी इसको घर के लिए तो चलो जी आलू भी लगा दिया है और इधर एक किल्टा घास का भी निकाल दिया है तो अब करते हैं अब जाते हैं जी हम भी घर के लिए तो टाइम भी हो चुका है जी 5:53 हो चुके हैं तो अब निकलते हैं जी हम घर के लिए तो अभी मैं यहाँ से उठा रही हूँ जी घास का किल्टा ये पहुँचाऊँगी जी मैं घर के लिए इधर धोते हैं जी हम पैर तो साथ साथ नीचे वाले खेत में बीजे हुए हैं जी हमने जौ तो जौ की फसल भी इस बार बहुत ही अच्छी है तो सामने मिले जी मिक्कू से
देखे जी ऑस्कर भी पहुंच चुका है, तो ऑस्कर तो पहुंच चुका है, साथ साथ अपने साथ अपने दोस्त को भी लेके आया है। तो वो तो देखे जी एक कुत्ता इधर है, ये ऑस्कर का दोस्त है, तो एक है जी ऊपर, तो ऑस्कर इसको देख रहा है, भाई तू अगर नीचे आया तो तेरी हड्डियां तोड़ के रखूंगा, डरपोक। ऑस्कर तो डरपोक है, ये ऊपर वाला इसकी हड्डियां तोड़ेगा। देखो भाई देखो देखो देखो, उधर देखो जी उसको, पर देखो भाई झगड़ा मिक्कू और। तो दोस्तों ऑस्कर के होते हुए मिक्कू को कोई छेड़ नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं, वो उसकी पूरी की पूरी रक्षा करता है। ले ले ले, तो देखे जी इधर इतने प्यारे प्यारे से फूल भी खिले हुए हैं, तो अभी तो ये बंद हो चुके हैं, तब जब इसमें धूप पड़ती है तब ये बहुत ही अच्छे खिल जाते हैं, तो ये पूरे के पूरे खुल जाते हैं। तो सामने भी है, तो देखे जी मिक्कू देख रही है जी ऊपर से ऑस्कर और इस लल्लू की फाइट, तो देखते हैं मैं और मिक्कू यहाँ से देखते हैं कौन जीतता है। ओ हार गया, मुझे लग रहा कि हमारा ऑस्कर हार चुका है, वो वाला जीत चुका है। हेलो कर, हेलो कर, हेलो कर, नहीं करनी मरने दे फिर, मत कर। अभी हो चुकी हूँ जी नहा के फ्री, तो अब चलते हैं जी हम भी रसोई की ओर। देखे जी अंधेरा भी हो चुका है और गांव में सभी घरों में लाइट भी लग चुकी है, तो देखे जी उधर सामने को भी लाइट ही दिखाई दे रही है। की बात की जाए तो रसोई में मम्मी और दादी अपने अपने कामों में व्यस्त है, तो दादी की बात की जाए तो दादी लगे हुए है जी इधर मटर छिलने, और साथ साथ इधर मम्मी की बात की जाए तो मम्मी ने भी अपना काम छेड़ा हुआ है, तो मम्मी लगे हुए है इधर। ओहो क्या हाल है आपके, आज मैं आपको इधर ईजा जी से मिलाती हूँ। हेलो ईजा, गुड मॉर्निंग, हो रही की गुड इवनिंग, इवनिंग हो रही, मस्त। आप बताओ आप कैसे हो, क्या कर रही, क्या देखूं? ईजा मुझे यहाँ पर कुछ दिखा रही है, दादा कर रहे हैं जी अब दीदी से बात, तो साथ साथ इधर की बात की जाए तो इधर बन रही है जी आज खीर, तो ये सब्जी है जी करेरू की, तो मम्मी लेके आई हुई है जी इसको, तो ये होती है जी नीचे सतलुज की नदी के साथ साथ ही ये होती है। लो तो देखे जी इधर मटर भी छिल लिए है, तो मटर मम्मी लेके आए हुए जी इनको मासी के घर से, का है जी डिनर, तो आज डिनर में है जी चने की दाल चावल, तो अचार भी खा रही हूँ, और साथ साथ है जी खीर। तो ऑस्कर को मैं लेके आ चुकी जी रोटी, ले खा ले, अभी यहाँ से जाएगा और थोड़े दूर से बैठेगा और वहां पे खाएगा। तो दोस्तों मैं भी आ चुकी हूँ जी रूम सोने, तो इसी के साथ आज के व्लॉग को भी करती हूँ जी यहीं पे ही एंड, और मिलते हैं जी हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो अब मिलते हैं जी हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।